ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आपके घर में किसी ने कुछ करवा रखा है, काला जादू, टोना टोटका और बहुत सारी चीज़ें। जब आपके मन में ये प्रश्न उठता है और जब आप ये मुझसे बात पूछते हैं कि किसी ने हमारे घर में पंडित जी कुछ करवा रखा है, कोई काम ही नहीं हमारे बनते, जिस भी काम में हम हाथ डालते हैं वो काम बंद हो जाते हैं, हमारे घर में कोई ना कोई बीमार हमेशा बना रहता है, चीज़ें सही होने का नाम ही नहीं लेती, ना व्यापार चलता है, ना पैसे टिकते हैं, चीज़ें बस खराब और ख़राब होते जाती हैं। आप ही बताएं क्या करें, कोई रास्ता बताएं, कोई सोल्यूशन बताएं, क्या करें हम। तो अगर ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आप ही के लिए है। समझिएगा कि ये आपके इस परेशानी का समाधान है, और समाधान जो है बहुत कठिन और बहुत कड़वा होता है, इसलिए इस वीडियो को देखकर आप सरल समाधान जान सकते हैं। आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है, प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको सही जानकारी मिले, आपकी जीवन की परेशानियां कम हो, बस जीवन में यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, जीवन में जैसे कोई तकलीफ या परेशानी या कोई प्रश्न है जो आपको बहुत बेचैन करते हैं, तो प्लीज़ स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, फिर हमसे बात कर लें, शायद आपकी समस्या का एक सकारात्मक समाधान आपको मिले, शायद आपकी जो परेशानी है उसका एक हल मिले और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हो। उसका फीस लागू है दोस्तों। आप कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जो भी आपका मन हो, लेकिन भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखें, तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, अन्यथा ना देखें। अब वही रही बात हमारे जो टॉपिक है उस पर, जब कभी भी घर में काला जादू, तांत्रिक, टोना टोटका, ये जितनी सारी बातें आती है ना, ये कब आती है, जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी से घिरे हुए होते हैं। सामान्य तौर पर कभी नहीं आएगी, कि जब आप खुश हैं, अच्छे हैं, तो आपको कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं लगेगी। तो ये जो है, ये ऊर्जा जो है, मैं इस ऊर्जा को डिनाई नहीं करता हूँ कि ऐसी ऊर्जा नहीं होती और ऐसी चीज़ें नहीं होती, ये जो ऊर्जा है हम अभी इस युग में, वास्तविक इस युग में, वो होती नेगेटिविटी, नकारात्मकता। और नकारात्मकता के लिए कोई व्यक्ति ने, किसी ने कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, या किसी व्यक्ति ने कुछ किया है, या इस तरह की चीज़ों पे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नकारात्मकता क्रिएट करने वाले इंसान तो हम स्वयं हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात हो गई कि हम स्वयं हैं, आपको उस तरह से देखें कि जब हम किसी परेशानी में होंगे तो हम अच्छा नहीं सोच सकते, बस दिन रात 24 घंटे बुरा 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 सोचते रहेंगे। और आप एक बात बताएं कि अगर आप 24 घंटे बुरा सोचेंगे, खराब और नेगेटिव सोचेंगे, तो कैसे आपके जीवन में अच्छा होगा, क्योंकि हम खुद वाइब्रेट करते, वाइब्रेशन को फील करते और उसी वाइब्रेशन की चीज़ें हमारी लाइफ में दिखाई देती, हमारा सोचने का तरीका वैसा हो जाता है, हम चीज़ों को वैसे समझते हैं, लोगों पर शक करना शुरू हो जाते हैं, हमें अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देती, हमारा नरेशन, हमारा नरेटिव, सब कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाती, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो, अच्छा नहीं होगा। आप खुद से कितनी भी बार ये प्रश्न करें कि किसी ने कुछ करवा रखा, तो हाँ, किसी ने कुछ करवा रखा है, और वो जो करवा रखा है आपने खुद ने करवा रखा अपने अंदर, वो नकारात्मकता, और वो नकारात्मकता कैसे बाहर जाएगी ये भी आप समझ लें। उसके लिए आप ईश्वर का जप करें, अपने घर में धूप गुगल लगाएं, रंग रोगन सफाई अपने घर पर समय समय पर रखें, आप खुश रहें, आप सकारात्मक सोचें, चाहे कितने भी बुरे हालात हो। कर्म जो है, हमारे पूर्व के कर्म, वो सबको भोगना पड़ेगा, मुझे, आप सबको, उसे स्वीकार कर लें। और दूसरा स्वीकार कर लें कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, ताकि जो पल अभी हम जी रहे हैं इनको अच्छे से जी पाएं। और जो अपने पलों को अच्छे से जिएगा, जब वो अच्छे पल, कई सारी अच्छी यादें बनेगी, तो जीने में और अच्छा लगेगा। यही एक सरल तरीका है। प्यार, संवेदना, दया, करुणा, ये भाव हमारे नैसर्गिक भाव है, हमें उनकी ओर जाना चाहिए इस नकारात्मकता को छोड़कर। प्यार सकारात्मक है, दया सकारात्मक है, ये गलत धारणा है कि दया दुख का कारण है। दया दुख का कारण तब है जब हम उनसे कोई अपेक्षा रखते हैं, हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हमने दया करी मतलब उनकी मदद की और दूर हट गए, ये वाकई में दया है। तो दोस्तों, आप कभी भी इस नरेशन को, कभी भी इस नैरेटिव को अपने दिमाग में ना बिठाइए कि किसी ने कुछ करवा, कोई आपके ऊपर कुछ नहीं करवा सकता। और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत बार सिद्धि, यत्न और बहुत से तप करना पड़ते हैं महापुरुषों को, और वो महापुरुष कभी भी आप जैसे या हम जैसे नॉर्मल लोगों के जीवन में कोई इस तरह की चीज़ें करने के लिए वो फ्री नहीं है। और कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता है, उसकी उम्र ही कितनी है, 70 साल में सिद्धि प्राप्त कर लेगा कुछ भी। ओम नमः शिवाय।